कल्याणी, 1 बजे की फ्लाइट है तो अब मैं चलता हूँ, ओके? कुछ भी जरूरत हो तो प्रेम को बोल देना, राइट? हाय, ये भी उस तरफ ही जा रहा है, टैक्सी स्टैंड तक मुझे ड्रॉप कर देगा। तेरा फोन बज रहा है, जाके उठा ले यार। बजने दो, 10 मिनट में तो वापस ही आ जाऊंगा ना। चलो बैठो। चल ओके। लेकर टीवी चैनल वालों को भी फोन करो, वो भी सुन लेंगे। तेरे परिवार का अबॉर्शन हो जाएगा। केस की हिस्ट्री उसमें नहीं, इसमें है। मैं फोन भूल कर नहीं गया था, जानबूझ के यहां छोड़कर गया था। इस मोबाइल पर फोन करने वाला मैं ही था। किस लिए तुम्हें पता है? तुम्हें इस रूम में ले आने के लिए। तेरे घर से ज्यादा हम दोनों के लिए ये रूम सेफ है। प्लीज मुझे छोड़ दो। एक बार मान जाओ, बाद में तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। टैक्सी में बैठते ही फ्लाइट डिले का मुझे मैसेज आ गया। घर के दरवाजे खुले हैं, कल्याणी भी घर में नहीं है। तुमने क्या उसे वहां पर कौन है? कम आउट कल्याणी। कितने दिनों से चल रहा है ये सब? कितने दिनों से चल रहा है ये सब बोलो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं होता तो तेरे जाते ही दूसरे ही पल ये मेरे रूम में क्यों आएगी? ए, तुम दोनों को मैं चिंता नहीं छोड़ूंगा। कृष्णा नहीं, छोड़ दो कृष्णा, छोड़ दो। अरे छोड़ दो, रुको। अरे अब मैं क्या करूं? कृष्णा बस करो, बहुत हुआ। प्लीज अरे स्टॉप इट कृष्णा, नो दया करके रुक जाओ, बस करो। अरे चल।
मूव। कहाँ भागना चाहती हो तुम? कहाँ भागना चाहती हो? मुझे खूनी बनाकर अपने आप चले जाना चाहती हो तुम? मैंने तुम्हें खूनी बनाया है क्या? मैं खुश हूँ जिंदगी जी रही हूँ। चोरी से मेरे रूम में आकर मेरी चीजों को उलट पुलट किया, उस टाइम पर तेरा पति आ गया तो नाटक कर रही हो? पुलिस अगर यहाँ आएगी तो हमें कोर्ट नहीं ले जाएगी, निशाना लगाकर भून डालेंगे हमें। ऐसी जिंदगी से तो मरना ही बेहतर है। हाँ क्या? हाँ तो मरोगी क्या? चलना, यहाँ चलाऊंगा तो तुरंत मर जाओगी, यहाँ चला लूंगा तो 10 मिनट में मर जाओगी, यहाँ चलाऊं तो 2 घंटों के बाद मरोगी, और अगर यहाँ यहाँ तो 2 दिन में तड़प तड़प कर मर जाओगी। तो बताओ, तड़पते हुए मरना चाहती हो या तुरंत ही मर जाना चाहती हो? 3, 2, 1, 0। पुलिस हमारे सारे दोस्तों को अरेस्ट करके पूछताछ कर रही है यार। तुमने ही उस पुलिस ऑफिसर का खून करके उसकी पत्नी को डरा करके अपने साथ ले गए हो, ये बात उन्हें पता चल गई है यार। बंदूक मैंने चलाई, पता चल गया क्या? पुलिस को उस जगह पे तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वो लोग तुझे ढूंढ रहे हैं यार। फिंगरप्रिंट मिला है क्या? किसी औरत का फिंगरप्रिंट मिला है क्या? देख, पुलिस तुझे चारों ओर ढूंढ रही है, तू जरा संभल के रहना यार। क्या हुआ? रूम में तेरे फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर तूने ही अपने पति का खून करवाया है, ऐसा पुलिस समझ रही है। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सच मुझे पता है और तुझे पता है, पुलिस को पता नहीं है ना? तुझे पुलिस ढूंढ रही है, शूट एट साइट ऑर्डर भी दिया गया है। अब मुझे क्या करना होगा? तुम बिना शोर मचाए मेरे साथ मिलकर रहोगी तो हमें क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। जाना हो तो चली जाओ, तेरा रास्ता तेरा, मेरा रास्ता मेरा, जाओ। पहले तुम अपने फोन से बैटरी निकालकर फेंक दो, फ्रेंड्स फोन करेंगे तो पुलिस वाले फोन को ट्रेस कर लेंगे। गुड, बहुत ही समझदार हो तुम, तेरे जैसी स्मार्ट लड़की साथ रहेगी तो सिर्फ स्टेट नहीं देश पार करके जा सकते हैं। काम सुना है तेरे पापा भी देश छोड़कर भागे? हाँ क्या? तुम्हें किसने बताया ये? सब लोग यही कह रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान भाग गए हैं ना। नो, मेरे पापा देश के लिए जान कुर्बान कर देंगे लेकिन जान के लिए देश छोड़कर नहीं भागेंगे। पर वो अभी कहाँ है, किस हाल में है कुछ नहीं पता।
आज रात हमें कैंप यहीं लगाना होगा। अब तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारे पापा हैं क्या? नहीं है, मैं जब 10 साल का था चल बसे। तब तुम रोए थे क्या? बहुत रोया था मैं। मेरी हालत भी अब वैसी ही है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा दुख हो रहा है। मेरे पापा जिंदा हैं क्या? अगर जिंदा हैं तो कहाँ पर हैं? तुम्हें पता नहीं प्रेम, I love my father so much। किसने किडनैप किया है पता नहीं, कितना टॉर्चर कर रहे होंगे ये भी नहीं पता। ये सब याद करती हूँ तो तेरे दर्द को मैं समझ सकता हूँ। तेरे पापा को तेरे हवाले करना मेरी जिम्मेदारी है। कल सुबह ही तेरे पापा के पास ले जाऊंगा। इतने सालों से इतने जोश को कहां छुपा रखा था? अपने जिस्म में। शादी के बाद से क्यों हंस रहे हो तुम? लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मासूम जानवर बिल्ली को कहते हैं, सबसे स्टूपिड जानवर मुर्गी को कहते हैं। इन दोनों जानवरों से ज्यादा बेवकूफ लग रही हो तुम। तुझसे जब कहा कि तेरे पापा कहाँ हैं बताऊंगा तो शरीर दे दिया मुझे। तुझे पता है मैं तुझे इतनी दूर इसी काम के लिए लेकर आया था। करेक्टली मेरे जाल में फंस गई हो। मतलब मेरे पापा कहाँ है तुम्हें नहीं पता है? पता है। कहाँ है वो? स्वर्ग में है। एक अनाथ हूँ, मुझे मेरे पति के मरने का दुख है। ऐसी परिस्थिति में तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं क्या? अब तक नहीं बताई थी, अब बताता हूँ। तेरे पापा कहाँ पर हैं? मुझे पता है। सच में? तेरे पापा से तुझे मिलाने के लिए इतनी दूर लेकर आया हूँ। ओह माय गॉड, अगर यही सच है तो इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? तेरे पापा से इतना प्यार है? प्यार नहीं है, जान है। वो मेरे पापा है इसलिए नहीं। He is a true Indian to the core। तेरे पापा के लिए कुछ भी कर सकती हो तुम? हाँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तेरे पापा कहाँ हैं बताऊंगा तो तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी क्या? पापा से मिलाओगे तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तेरे पापा से मिलने के बाद मुझे धोखा दिया तो? मैं अभी भगवत गीता और कुरान की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं है। मुझे एडवांस में चाहिए। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो जाने दो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। रोमांस करने के लिए ये जगह नहीं है। चलो लॉकअप में, सारा अरेंजमेंट है, प्राइवेसी भी रहेगी, खूब एंजॉय करना। चलो चलो उठो बदमाश। साफ साफ बताओ, खून इसने किया है या तुमने किया है?
या फिर तुम दोनों ने मिलकर यह खून किया है। देखो, जिसका खून हुआ है वो हमारे डिपार्टमेंट का है। एक पुलिस अधिकारी के खून के जुर्म में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सरकारी गवाह बन जाओ, सच बताओगी तो तुम्हें जाने देंगे, सच बताओगी या नहीं? तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलाने के लिए ही इतनी दूर लेकर आया हूँ। मेरे पापा कहाँ है तुम्हें पता है? रात को 12 बजे आऊंगा। आई एम सुप्रीम अथॉरिटी फॉर दिस पुलिस स्टेशन। उस समय यहाँ पर कोई नहीं होगा। तुम्हारे लवर के सामने तुम्हारे साथ मजे करूंगा, उसके बाद शूट कर दूंगा और एनकाउंटर की रिपोर्ट बना दूंगा। तुम्हें मैं 6 घंटे का समय दे रहा हूँ, आधी रात तक सोच लेना। ए, तुझे साहब बुला रहे हैं, जल्दी चल। तू कहाँ जा रहा है चर्सी? वहाँ आकर फिल्म देखेगा क्या? बैठ जा। ये साथ नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगी। ए, ज्यादा नाटक मत कर, चल मेरे साथ। सच बताओगी या फिर मजे करोगी? मुझे छोड़ दो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं आऊंगी। इतने सुंदर शरीर को इतनी आसानी से जाने दूंगा? पहले मैं इसके साथ एंजॉय करूंगा, उसके बाद जान लूंगा। देख क्या रहे हो, चलो फास्ट चलो। पेट्रोल खत्म हो गया है। अच्छा है तुम बच गए। अगर इसमें पेट्रोल होता ना तो तुम्हारे शरीर पर डालकर आग लगा देती मैं। मेरे पापा कहाँ है? एए, उठ, चलो उठ। सच बताओ मेरे पापा कहाँ हैं? तुम्हें पता भी है या नहीं? सच कह रहे हो या फिर मुझे धोखा दे रहे हो? इंजेक्शन, इंजेक्शन। इंजेक्शन। बताओ कहाँ है मेरे पापा?